Hello student, today I am going to start your new topic, that is need and importance of staffing. The efficient staff can help to attain number one position in the market of any organization, and in opposite, inefficient staff can bring down the position of organization in the market. The performance of organization depend upon the performance of its employees. अगर organization में एक efficient staff होता है तो वो organization की position market में बहुत top तक लेकर जाता है. उसके opposite अगर हमारा inefficient staff होगा तो वो हमारी organization की position को market में एकदम down कर देता है. The performance of organization totally depend upon the performance of its employee. बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके अच्छे एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करती है. स्टाफिंग फंक्शन से हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर चेंज लेकर आते हैं. जितना अच्छा हमारा स्टाफिंग फंक्शन बेटर होता चला जाएगा, उतना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस बढ़ता चला जाएगा. So proper staffing ensure the following benefit of the organization are as follows. The point number one, obtaining competent personnel. Here staffing function is needed to fulfill the job position. यहाँ staffing function से हमारे यहाँ जो भी job position होती है उसको fill किया जाता है. There will be no use of job position unless until these are occupied by employee. And it is through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job. हमारी organization में job position का जब तक कोई use नहीं होता है, जब तक हमारे perfect employee हम select नहीं करते हैं, उन job position को जब तक perfect employees के साथ में fill नहीं किया जाता है. Staffing function के through हम different different employees को appoint करते हैं और अपनी वैकेंट जॉब को फिल करते हैं. दैट्स वाई फिलिंग द रोल बाय ऑप्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन. हम ऑप्टेन करते हैं कि हमारे यहाँ कितने कॉम्पिटेंट पर्सन की नीड होगी. स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेंट पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, उनको उन वैकेंट जॉब पर फिल आउट कराते हैं. फिल जॉब को हम क्या करते हैं, फिल जॉब को हम कंप्लीट कराते हैं. That's why obtaining competent person is an most important for organizing. Number two, higher performance. It ensure higher performance by placing right person on the right job. Staffing ensure करता है हम higher performance हमें कैसे मिलती है, जब हम right job पर right people को हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन के थ्रू उनको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हैं. एम्प्लॉय आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. एम्प्लॉयज को जो भी प्लेस दिया जाता है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको प्लेस प्रोवाइड कराया जाता है. सो राइट पर्सन एट द राइट जॉब, दैट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंस इन स्टाफिंग फंक्शन, बिकॉज इट क्रिएट हायर परफॉर्मेंस. सही पर्सन अगर सही जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस लेवल भी हाई होता चला जाएगा. नंबर थर्ड, दैट इज कंटिन्यूअस ग्रोथ. ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विद एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय. के ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ जब भी होती है जब उसके एम्प्लॉयज कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहते हैं. सो प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. ये काम जब भी पॉसिबल होगा जब सही पीपल को सेलेक्ट और रिक्रूट किया जाएगा. जब प्रॉपर स्टाफिंग होगी तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ भी बढ़ता चला जाएगा. नंबर फोर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय required in the organization. So there are no chance of overmanning and shortage or underutilization of the personnel. हम optimum utilization of human resource कैसे करते हैं, हम manpower planning करते हैं, हम job analysis करते हैं कि हमें कितने employees की जरूरत होगी और उनका क्या type रहेगा.
कि हमें किसी भी जॉब को फिल करने के लिए कितने एम्प्लॉयज की नीड होगी और उनका जॉब का टाइप क्या रहेगा, जिससे हमारी शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव हो जाती है, जिससे हम अपने रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज दिस, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। स्टाफिंग फंक्शन हमारा ये एंड नहीं होता है, बस केवल हमने एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया, स्टाफिंग फंक्शन एंड ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, हमने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया, अगर मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिलाना, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमें ट्रेनिंग दिलानी पड़ती है, उनका प्रमोशन करना, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करो, उनको प्रॉपर कंपनसेशन देना, उनको वेजेस प्रोवाइड कराना, उनको सैलरी देना, उनको बोनस देना, उनको अप्रेजल प्रोवाइड कराना, ये सब एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं इससे हमारे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल बढ़ता चला जाता है और उनके जो मॉरल है वो बहुत बेटर होता चला जाता है। कि जितना आप एम्प्लॉयज़ को अपने ट्रस्ट में लेंगे और उनके अच्छे काम पर आप उनको डिफरेंट डिफरेंट रिवार्ड प्रोवाइड कराएंगे, उनका जॉब लेवल भी उतना बेटर होता चला जाएगा, उनके जो एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी जो बिलोंगिंगनेस है वो और बेटर होती चली जाएगी। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव होता है जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉयज़ का जो मॉरल है वो हमेशा पर्टिकुलर वे में वर्क करेंगे, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत नहीं करेंगे। द लास्ट हेडिंग दैट इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। इट मीन्स नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन, बिकॉज ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। ये हमारे सब फंक्शन को बेस प्रोवाइड, जैसे जैसे हमारे यहाँ प्लानिंग है वो मैनेजमेंट एक्टिविटी को बेस प्रोवाइड कराता है, प्लानिंग करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, पीपल की नीड होती है। हम बिना इसके स्टाफिंग के हम कोई और फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग हमारा मेन इस फंक्शन को परफॉर्म करता है और ये सब चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, स्टाफिंग के थ्रू ही हम आगे के फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, उसने प्लानिंग कर ली, उसने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर दी, पर अब जब डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशंस आएंगी तो उन जॉब पोजीशंस को फिल आउट कैसे करना है, तो जितना हम अच्छा पीपल ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे राइट क्वालिफिकेशन के साथ, राइट टाइम पर राइट चॉइस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब को फिल आउट करेगी, वो हमारा किसका पार्ट बोला जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। सो हियर वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। द फर्स्ट इज क्वालिफाइड टैलेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज अपॉइंटेड। हमारा स्टाफ कैसा, क्वालिफाइड टैलेंटेड और एफिशिएंट स्टाफ हमारा अपॉइंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपॉइंटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, अगर जॉब की रिक्वायरमेंट होगी उसी के बेस पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। एफिशिएंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। एक अच्छा एफिशिएंट एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। नो ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग इज गुड। ना तो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, ना बहुत ही कम एम्प्लॉयज होने चाहिए, दोनों चीज़ में बैलेंस बना के रखना चाहिए। जितने एम्प्लॉय की नीड उतने एम्प्लॉयज वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। स्टाफिंग फंक्शन इस चीज़ को सबसे बेटरली परफॉर्म करवाता है। एफिशिएंट स्टाफ हेल्प टू विन ओवर योर कॉम्पिटिटर। एक अच्छा एफिशिएंट स्टाफ होगा तो उसका उसके लिए कॉम्पिटिशन लेवल, अदर के लिए कॉम्पिटिशन लेवल और हाई हो जाएगा और वो कॉम्पिटिटर से चैलेंज फेस करने में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रोथ प्रोवाइड कराएगा। स्टाफिंग से हम एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स, उनको प्रमोशन प्रोवाइड कराना, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस एक अच्छे स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स वर्क एज अ इम्पॉर्टेंट एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।